सभी ओआरओपी लाभार्थियों की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ, हमारे पास पीसीडीए की तरफ से एक बहुत ही बड़ा लेटर निकल के आ गया सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी, स्पेशली ओआरओपी लाभार्थियों को मजा आ गया। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये देख सकते हैं आप 9/5/2023 का इस लेटर के बारे में बताएंगे जो कि पीसीडीए की तरफ से पब्लिश हुआ है। उसके बाद और एक लेटर हमारे पास 9 मई का निकल के आया जो इंडियन एक्सर्विसमैन लीग, जो आपको पता है भूतपूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा, जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत भी एक बहुत ही बड़ा लेटर हमारे पास निकल के आया है। उसके बाद हम देखेंगे और एक हमारे पास लेटर निकल के आया है, ये भी हम देखेंगे। तो टोटली वन रैंक वन पेंशन। उसके बाद कुछ जॉब्स बताऊंगा मैं, कुछ जॉब्स निकल के आई है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वन रैंक वन पेंशन लाभार्थियों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहता हूं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके फोन पे आपको मिल पाए। देखिए, रक्षा लेख मतलब पीसीडीए प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से सीजीडीए, आपको बता दें कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन साझा कर दी गई है और ये आपकी वेलफेयर की है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे एक आपको पता है कि काफी जो पेंशनर होते हैं वो कहीं ना कोई दिक्कत का सामना कर रहे होते हैं, या तो ओआरओपी का एरियर ठीक से नहीं मिल रहा हो, या एमएसपी में प्रॉब्लम हो, या उनका बेसिक बढ़ नहीं रहा हो, बेसिक घट गया हो, जितना बेसिक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा हो, कुछ पैसा अमाउंट ज्यादा आ रहा हो, कुछ कम आ रहा हो, तो आपके लिए सीजीडीए कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास पूरा खाका निकल के आ गया है, ऑर्गेनाइजिंग आउटरीच प्रोग्राम फॉर कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पर्स एंड पेंशनर। तो यहाँ पे अगर आप स्पर्स एंड पेंशनर में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीटिंग आइडेंटिफिकेशन, और इसमें वो लोग आपका कंप्लीट करेंगे आइडेंटिफिकेशन स्पर्स एंड जो पेंशन का अभी तक आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, और आप अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको रख सकते हैं। देखिए, अब मैं पूरे भूतपूर्व सैनिक जो मेरा वीडियो देख रहे हैं पूरे इंडिया में, आपका पूरा यहाँ पे डेट निकल के आ गया किस दिन किस राज्य में आउटरीच प्रोग्राम चलेगा या मतलब कि कंडक्ट किया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मिल जाएगा, कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में पेंशनर है, और कब से कब तक आपका यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम चलेगा पीसीडी प्रयागराज। देख लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे भिंड जो कि एमपी में पड़ता है, इसमें टोटल 7226 है, इसका 25 मई 2023 और 26 मई 2 दिन चलेगा आउटरीच प्रोग्राम। तो आप भी देख लें। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं दूसरी न्यूज में पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम वक्त कम है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और लेटर निकल के आ गया है, और इस लेटर में आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस चल रहा है, और आईएएसएल ने भी माना है कि सभी राज्य से रिपोर्ट मिले, और इसने आप देख इंडियन एक्सर्विस जो लीग है यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है जिसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि ये 20/5/2023 तक आप लोग का रिपोर्ट चाहते हैं, आपका डिसीजन चाहते हैं। तो काइंडली हर एक मतलब जितने ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी, इनको बताएं कि आपका फिर उसके बाद ये मतलब बताएंगे। तो अगर इक्वल एमएसपी हो जाती है 15,500 तो आप लोग को मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट को और बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।